ये सियासी हिमायत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत और तहफ्फुज़े अकीदा खत्मे नबूवत के साथ मशरूत है। इन महाजात से पसपाई ईमान की तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी। तो मैं चाहूंगा कि खान साहब की तवज्जो मेरी गुफ्तगू पर मरकूज रहे ताकि मैं अपने जमीर की आवाज उन तक पहुंचाने में कमा हक हूँ ओहदा बरा हो सकूं। तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत और तहफ्फुज़े खत्मे नबूवत के हर दो महाजात पर बहसियत एक मुसलमान के आपको हर वक्त चाको चौबंद रहना चाहिए। इन महाजात से पसपाई ईमान की तबाही के सिवा कुछ भी नहीं। और ये सियासी हिमायत तहफ्फुज़े नामूसे रिसालत और तहफ्फुज़े अकीदा खत्मे नबूवत के साथ मशरूत है। खान साहब, अगर आपने अपने इन वादों की पासदारी की तो दीनों दुनिया की सुरखरुई आपका मुकद्दर ठहरेगी इंशाअल्लाह। और अगर खुदा न खास्ता, अगर खुदा न खास्ता कुर्सी पर बैठने के बाद आपने इन वादों को फरामोश कर दिया तो फिर ये याद रहे कि फानी है ये अरबाब तरब की कुर्सी, फानी है ये अरबाब तरब की कुर्सी, दायम कायम है सिर्फ रब की कुर्सी, दायम कायम है सिर्फ रब की कुर्सी। इमरान हो नवाज हो के जरदारी हो, इमरान हो नवाज हो के जरदारी हो, दीमक की लपेट में है सबकी कुर्सी।